देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। दर्शकों, भारत एट नाइन में आज स्वागत है आपका। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज भारत एट नाइन का ग्लोबल ट्रांसमिशन शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दर्शकों, मैंने एक बात हमेशा कही कि जर्नलिज्म अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम कवरिंग जस्ट पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग ब्रेकिंग न्यूज, शुड स्टैंड फॉर सोशल कॉज। पत्रकारिता सिर्फ राजनीति को कवर करने से या पत्रकारिता सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देना भर, पत्रकारिता का मतलब है अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोगों के, समाज के काम आ सकें। और अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे दर्शकों, तो सबसे पहले पुरुषों के खिलाफ लिखाए जाने वाले गलत मुकदमों, फर्जी मुकदमों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हमने लड़ी, भारत एट नाइन की पूरी टीम ने लड़ी। दर्शकों, इसके बाद एक एरोगेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोगों को अब्यूज कर रही थी, बदसलूकी कर रही थी, उनके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई भारत एट नाइन की टीम ने लड़ी, हमने। इसके बाद दर्शकों, जब जानवरों के डॉक्टरों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था इस सिस्टम से, तो उनकी लड़ाई भी हम लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। इसके बाद मेरे बहन और भाई जब परेशान हुए, जब सिस्टम और सरकार की वजह से अभ्यर्थी जो है, जिनको इनकी गलतियों की सजा दी जा रही, तो इनकी लड़ाई भी भारत एट नाइन लड़ रहा है। और आज एक बार फिर जब पूरा देश एक ही शब्द का जिक्र कर रहा है, वो है युद्ध, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, क्या अब रशिया पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा, द फुल टेक ओवर, पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा यूक्रेन, क्या चाइना ताइवान को अब इन्वेड करने जा रहा है, क्या इंडिया अब पीओके को इन्वेड करने जा रहा है, दीज आर द क्वेश्चंस एवरी इंडियन इज आस्किंग। हर भारतीय आज ये सवाल पूछ रहा है और इन सब के सवाल दे रहे हैं, भारत के तमाम मीडिया चैनल्स इन सब के सवाल दे रहे हैं, लेकिन भारत एट नाइन जो कि हमेशा समाज के लोगों के लिए खड़ा रहा, तो आज एक बार फिर, एज वी से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आज एक बार फिर हम भारत के लोगों की आवाज बनने आए। यूक्रेन में बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहन, देवियों सज्जनों, बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे मेरे भारतीय भाई और बहन फंसे हुए, और वो किस संकट में है। आज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखना हो, आज देखना हो कि किस तरीके से भारतीय आज यूक्रेन में फंसे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा था वहां, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था, काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, ये लोग वहां पर फंस गए हैं और इनको बहुत जल्द वहां से लेकर आने की आवश्यकता है। और भारत के विपक्ष के लोग भी इससे पहले आवाज उठा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उनको लाइए, और आज वो लोग जब फंसे हैं तो पहली प्राथमिकता भारत की ये होनी चाहिए कि उन लोगों को भारत में लाए। और वो लोग, उनके नाम, वो लोग आज मेरे साथ स्वयं जुड़ेंगे और हम बात करेंगे और एक एक बात आपको बताएंगे, और देश के प्रधानमंत्री को आज हम ये कहना चाहेंगे भारत एट नाइन के जरिए कि इनको सुनिएगा, इनको जरूर सुनिएगा, दे नीड योर हेल्प, इनको आपकी जरूरत है। लेकिन उससे पहले, क्या कुछ चल रहा है यूक्रेन में, क्या कुछ है घटना, क्या कुछ बात है, क्योंकि कई दर्शक ऐसे हैं जिनको अभी शायद इसके बारे में प्रॉपर ब्रीफ ना हो, तो उनको ब्रीफ के लिए एक मेरी टीम ने एक पैकेज बनाया है, इस पैकेज को, इस रिपोर्ट को आपको दिखवाएंगे, इस रिपोर्ट को देखिएगा, फिर वापस लौटेंगे एंड वी विल गो। ये भारत में आज पहला न्यूज चैनल बनने जा रहा है जो सबसे पहले यूक्रेन के जो भारतीय जो वहां फंसे हैं उनको लाइव जोड़ेगा, उनकी आवाज उठाएंगे और उनकी आवाज को देश के सिस्टम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन प्लीज।
और रूस के बीच की लड़ाई ने दुनिया के लिए आने वाले समय में संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में कुछ देश रूस के साथ हैं, यूक्रेन के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ है। अन्य प्रमुख देश और संगठन की प्रतिक्रिया। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख टेर लेयन ने यूक्रेन पर हमले के लिए क्रेमलिन को जवाब दे ठहराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में हम यूक्रेन की बेगुनाह महिला, पुरुषों और बच्चों के साथ हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे मुश्किल समय है। चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जान लिपाविस्की ने कहा है कि रूस पर हमला एक आक्रामक और बर्बर एक्ट है। चेक गणराज्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जवाब देगा। चलिए जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में कौन कितना ताकतवर है। रूस वर्सेस यूक्रेन। आबादी 14.6 करोड़, आबादी 7.1 करोड़, क्षेत्रफल 1,71,25,191 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल 6,03,550। राजधानी मॉस्को, राजधानी कीव। भाषा रूसी, भाषा यूक्रेनी। रूस वर्सेस यूक्रेन। सेना की ताकत। रूसी सशस्त्र सेनाएं 9 लाख, सशस्त्र सेना कुल 20,09,000, आर्मी 2.8 लाख, आर्मी 1.45 लाख, नौसेना 11,000, वायुसेना 1.65 लाख, वायुसेना 45,000, रॉकेट फोर्स 50,000, एयरबॉर्न 8,000, एयरबॉर्न 45,000। रूस वर्सेस यूक्रेन। सेना की ताकत। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस 1,000, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जानकारी नहीं। रेलवे फोर्सेस 29,000, पैरामिलिट्री 10,02,000, कमांड एंड सपोर्ट 1.8 लाख, नेशनल गार्ड 60,000, पैरामिलिट्री 5.5 लाख, बॉर्डर गार्ड्स 42,000, रिजर्व 20 लाख, रिजर्व 9 लाख। परमाणु हथियार 1600 सक्रिय, कुल 6,850, परमाणु हथियार 0। रूस वर्सेस यूक्रेन। हवा में ताकत में रूस बहुत आगे। 4,173 एयरक्राफ्ट, 772 एयरक्राफ्ट से 6 गुना ज्यादा। 318 लड़ाकू विमान, 6 लड़ाकू विमान। रूस वर्सेस यूक्रेन। नौसेना बेड़ा भी रूस का खासा बड़ा। 605 नौसेना जहाज, 38 नौसेना जहाज, 30 पनडुब्बियां, पनडुब्बी नहीं। यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाले इस युद्ध में चीन की एंट्री होना सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। चीन ने रूस का खुलकर साथ देते हुए कह दिया है कि अमेरिका उसे धमका रहा है। जंग छिड़ने पर यूक्रेन के साथ अमेरिका और बाकी नाटो देश होंगे तो रूस के साथ चीन खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ी मुश्किल ये होगी, वो दुनिया की दोनों बड़ी ताकतों में से किसी का भी खुलकर समर्थन नहीं करेगा और ना ही करना चाहेगा।
लेकिन इसके जरिए चीन रूस की जो गहरी निकटता होगी वो भारत के लिए इसलिए चिंताजनक होगी कि चीन हमारी और रूस की पारंपरिक और भरोसेमंद दोस्ती को तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा। जाहिर है कि मुसीबत के वक्त जब वो रूस का साथ देगा तो रूस को भी उसकी कुछ बात मानने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। वैसे भी चीन एक तरफ पाकिस्तान का मददगार बना हुआ है तो वहीं अफगानिस्तान में वो तालिबानी सरकार को हमारे खिलाफ उकसाने में भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। ये ए टू जेड था पूरी वॉर जो दरअसल छिड़ गई। इस वॉर के क्या परिणाम होंगे भारत पर ये समय बताएगा, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग तरीके की कमेंट्स प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं, अलग अलग तरीके। अब एक तरीके से रूस जो है दर्शकों वो दावा कर रहा है कि हमने भारी तबाही मचाई है यूक्रेन, इटली को भी सतर्क कर दिया है चुप रही है, और यूक्रेन अब कह रहा है कि वी आर रिटेलिएटिंग, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम अभी अपनी प्राथमिकता अपनी प्रायोरिटी विल फोकस ऑन द इंडियंस ऑन यूक्रेनियन साइड। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किसी तरीके का अभी तक किसी भी भारत के किसी भी टॉप लीडर टॉप अधिकारी के द्वारा उनको किसी तरीके का कोई आश्वासन, किसी तरीके का कोई कनेक्शन, किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट बात की गई है। ऐसे में हमारे साथ यूक्रेन से जावेद हमारे भाई हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, मैं काविंद्र बात कर रहा हूँ। यस सर, सुन रहा हूँ भारत हेडलाइन से। जावेद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा अभी आप यूक्रेन में कौन सी जगह पर हैं? सर मैं यूक्रेन में खार्किव में हूँ अभी। खार्किव में? अच्छा, खार्किव में एक यूनिवर्सिटी भी है, आप वहां से हैं? जी सर। आप खार्किव में यूनिवर्सिटी है, खार्किव यूनिवर्सिटी शायद, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी, खार्किव में वीएन कराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी से हूं सर। ओके ओके ओके, ठीक है। जावेद साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको कब से अंदेशा था कि ये इस तरीके का वॉर ब्रोकआउट हो जाएगा, युद्ध हो सकता है, रशिया हमला कर सकता है, और आपने आने की कोशिश की थी भारत, मुल्क लौटने की कोशिश की थी? सर कोई भी थ्रेट कॉल नहीं था एम्बेसी की तरफ से कि आपको इमीडिएटली लीव कर देना चाहिए, जैसा कि अदर कंट्री वाली एम्बेसी बोल रहे थे कि आपको निकल जाना चाहिए, और उन्होंने इवैक्यूएट कराया भी अपने लोगों को। लेकिन इंडिया की तरफ से सिर्फ ये बोला गया कि आप टेम्परेरी लीव कर सकते हो, जिसको लग रहा है फियर या पेरेंट्स का, जिसको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा टेंस में है तो निकल जाए, ऐसे करके बोला। कोई भी थ्रेट कॉल नहीं था कि आपको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए, जैसा कि अदर कंट्रियों ने बोला था। मतलब किसी तरीके का जिसको वॉर सायरन बोलते हैं इसमें, तो किसी तरीके का आपको पहले बताया नहीं गया था कि ऐसी चीज हो सकती है, आप पहले से जाइए यहाँ से, आप इवैक्यूएट हो जाइए, मतलब खाली कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था आपको एम्बेसी की तरफ से? ठीक है, और जावेद साहब अब बताइए अब सिचुएशन क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या आपने कोई कनेक्शन किया, कोई कॉन्टैक्ट किया? करंट सिचुएशन, यस सर। जी जावेद साहब, करंट सिचुएशन बताइएगा सबसे पहले, वहां पर क्या मैं हूं, और सुबह लगभग 4-5 बजे से मैं यहां बम वगैरह की आवाज क्लियर भी सुन पा रहा हूं, मेरी बिल्डिंग तक से सुनाई आ रही है ये बम्स वगैरह की आवाजें। और सर इंटरनल सिचुएशन की अगर बात करें तो इंटरनल सिचुएशन नॉर्मल है, सारे स्टूडेंट जो है सेंटर्स वगैरह में, मतलब अभी आप सेफ हैं, अभी आप कोई किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है? या फिर बंकर वगैरह बनाए गए हैं बिल्डिंग्स के नीचे, बंकर्स बनाए गए हैं वहां, उनमें सेंटर किया हुआ है। मतलब अभी फिलहाल जावेद साहब आप सेफ हैं, अभी कोई प्रॉब्लम वैसा तो नहीं है ना? हेलो, हाँ जावेद जी, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप सेफ हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? हेलो, ठीक है, जावेद जी को एक बार फिर कनेक्ट करेंगे। जावेद जी को नहीं, जावेद जी आपको फिर एक बार कनेक्ट करते हैं, आवाज का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम है, जावेद साहब को एक बार फिर कनेक्ट करिएगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं दरअसल यूक्रेन में हमारे जो साथी, हमारे भारतीय सहयोगी, हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं, आज भारत एट टाइम में टॉप प्रायोरिटी यही है कि उनसे बात की जाए, वो किस हाल में है, किस तरह से है, उनसे जाना जाए, उनसे पूछा जाए, सिर्फ उनके परिवार वाले या उनके परिजन ही क्यों पूछें, भारत एट टाइम के जरिए हम भी पूछ रहे हैं और हम लगातार पूछेंगे और उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर करंट सिचुएशन क्या है, क्या इंडियंस वहां पर सेफ हैं कि नहीं है, और बाकी यहां से क्या आश्वासन दिया गया है कि कब तक
मुल्क वापस लौट सकते हैं, सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया कराया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है, जैसा कि भाई जावेद साहब हमारे बता रहे थे, जावेद भाई हमारे जुड़े थे यूक्रेन से, खारकिव यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से ये नहीं बताया गया था कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। एम्बेसी की तरफ से वो बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं बताया गया था कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक बड़ी हकीकत, बड़ी बात है। तो इस बीच वापस हम इसी सवाल पर हैं कि ये जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से अब रशिया ने जिस तरीके से अब यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इसको वॉर की तरह देखा जा रहा है, ये वॉर हो गया, वॉर छिड़ गया है। अब ऐसे वॉर में हम दरअसल सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहे हैं कि आखिर हमारे लोग कैसे हैं, हमारे लोग कहाँ हैं और हमारे लोग किस सिचुएशन में हैं। जावेद साहब एक बार फिर हमारे साथ है। जावेद साहब, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप अभी सेफ हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की करंटली? अभी सिचुएशन तो इंटरनल सिचुएशन, जैसा सर मैंने अभी बताया कि इंटरनल सिचुएशन अभी नॉर्मल है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है अंदर, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो बॉर्डर साइड है। जिस सिटी में मैं हूँ खारकिव में, मैंने बताया आपको बॉम्ब की आवाज़ मुझे सुबह लगभग 4 से 4 बजे से मैं सुन रहा हूँ। हर आधे पौने घंटे में आपको आवाज़ क्लियरली सुनने को मिल जाएगी। और एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि आप जो है नियरेस्ट जो भी शेल्टर वगैरह है, लाइक मेट्रो में यहाँ शेल्टर प्रोवाइड किए गए, आप मेट्रो में जाके छिप सकते हैं। किसी भी तरीके की पैनिक की सिचुएशन तो नहीं है जावेद साहब? पैनिक सिचुएशन सर, अभी पैनिक बच्चे हैं, बहुत से बच्चे, मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए, जिनको नया नया लग रहा है, तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। और ठीक है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनसे किसी तरीके का कोई कांटेक्ट किया है यहाँ से अधिकारियों ने, हाईएस्ट अथॉरिटीज ने? जावेद साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी तरीके से कोई टॉप लीडर्स या अथॉरिटीज की तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया है, कनेक्शन हुआ है आपका उनसे, कनेक्शन बिल्ड हुआ है कुछ? चलिए ठीक है, जावेद साहब का कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, इनको बात करेंगे। लेकिन एक शान अली जी हमारे साथ और जुड़ गए हैं। शान अली जी, मैं कावेंद्र चौहान हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शान अली साहब, मुझको सबसे पहले तो अभी करंट सिचुएशन के बारे में सबसे पहले आप बताइएगा, और इस वक्त आप कहां पर हैं यूक्रेन में? सर, मेरा नाम शान अली है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जी सर। तो मैं अभी कीव में हूँ, जो कैपिटल है यहाँ की यूक्रेन की, और मुझे 5 साल हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अभी जो सुबह जो मिसाइल अटैक हुआ है कीव में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ बना हुआ है। तो मैं अभी शेल्टर, जो यहाँ पे शेल्टर बने हुए हैं, जिससे मिसाइल का और बॉम्ब का अटैक होने से लोगों पे परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से हर बिल्डिंग के नीचे एक शेल्टर हाउस होता है, तो वही मैं देखने गया था अभी, तो अभी देखकर वही आ रहा हूँ। कैसा शेल्टर हाउस था थोड़ा बताइएगा, और मुझको ये और जानना होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, आप लोग ठीक तो हैं, सब सेफ तो हैं, और वापस आने का क्या है, क्या प्लान? अभी तो सब लोग ठीक हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो पहले तो हमारे कंट्रोल में था कि टिकट करें और जा सकते हैं, लेकिन अब जितना भी है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, एम्बेसी की तरफ से क्या बताया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या बताया जा रहा है, और किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट हुआ है आपका या अथॉरिटीज से? जी, कांटेक्ट तो है सोशल मीडिया के थ्रू एम्बेसी से। तो अभी जो एडवाइजरी आई थी दोपहर में, तो उसमें तो यही बताया गया है कि जो आपके सबसे करीब जो शेल्टर हाउस है, तो उसमें आप जाकर एक बार चेक कर लें, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो आप वहां जाकर रहें रात में। अब मेरे भाई, हमें यह और जानना चाहूंगा आपसे कि वापस आने का क्या है, आपको लग रहा है कि अपने मुल्क वापस चलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का वॉर सिचुएशन, युद्ध के हालात हमने नहीं देखे हैं भारत में। आप वहां पर, आपको दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो हम भी जाना चाहते हैं अपने घर, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कब तक ये वार खत्म होगा। जितने जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इस रास्ता निकालना चाहिए स्टूडेंटों के लिए, ताकि वो अपने घर लौट सके।
बिल्कुल। और सर क्योंकि आपने इन चीजों को करीब से देखा है, महसूस किया है, क्या मतलब क्या था, बम धमाकों की आवाजें आ रही थी, किस तरीके की वहां पर सिचुएशन है, बाकी जो वहां के लोग हैं, कीव के लोग हैं, वो किस तरीके से डरे सहमे हैं? जी, जब मैं सुबह उठा था तो धमाके की आवाज से उठा था, तो मैंने पहले ही समझ गया था कि हो सकता है कि सामान खत्म हो जाए या फिर और कोई सिचुएशन हो जाए। तो हम सुबह ही 7 बजे यहाँ से सामान लेने के लिए निकले, तो हमने देखा कि सुपर जो स्टोर हैं, सुपर मार्केट जो हैं, उनके बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ओके। तो फिर हमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा सामान लेने में, फिर हमने पानी भरा ताकि हम 15 दिन तक तो कम से कम रह सकें। ओके। तो वहाँ पर वो जो स्टोरेज वाली जो हम चीज़ देखते हैं कि जल्दी से स्टोर कर लीजिए, वॉर ब्रेकआउट होता है तो चीज़ें खत्म होने लगती हैं, स्कार्सिटी हो जाती है। इसके अलावा ये और जानना चाहेंगे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा है कि आप कुछ देखिए, आप तो चलिए ठीक है, आपकी बातचीत हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो कुछ ही वक्त पहले वहाँ पहुँचे होंगे, तो वो काफ़ी उनकी ना जान पहचान होगी, ना वो ज़्यादा लोगों को जानते होंगे, वो भी डर रहे होंगे, सहम रहे होंगे। तो कितनी तक संख्या होगी आपकी वहाँ पर, और जो यूक्रेनियन जो अथॉरिटीज हैं, यूक्रेनियन जो अधिकारी हैं, वो आप लोगों से किस तरीके से क्या आपको बता रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं आपसे? जी, तो अभी जो फरवरी बैच स्टार्ट हुआ था, तो कम से कम भी ना तो 500-600 बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फरवरी के लिए एडमिशन के लिए आए होंगे, ना तो उनका टेम्परेरी रेजिडेंसी बनी होगी और ना ही अब वो जा सकते हैं। तो उनके कॉन्टेक्ट में सिर्फ या तो उनके ग्रुपमेट्स होंगे या क्लासमेट्स होंगे या फिर जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं वही लोग होंगे। तो हो सकता है मे बी उनको ज़्यादा परेशानी हो रही हो, क्योंकि हमें तो ये है कि हमें तो 5 साल हो चुकी हैं, तो हम जानते हैं सब चीज़ों को। लेकिन एक और चीज़ है, घर पर माँ बहन भी होते हैं, भाई भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, काफ़ी परेशान होंगे इस वक्त तो। जी, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने भेजा है अपने बच्चे को, तो वो भी ये सोच रहे होंगे क्यों भेज दिया, या फिर नेक्स्ट ईयर भेज देते हैं, या फिर और कुछ। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, एक तो पहले से वॉर जो है वो ब्रोकआउट है, उसका परेशानी है, उसकी परेशानी, और घर वालों का भी आपको लग रहा होगा कि घर वाले भी बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अब मुझको इतना और जानना होगा कि जो भारतीय सरकार है या भारत की अथॉरिटीज़ जो हैं, इनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई आपको आश्वासन दिया गया है, कुछ बताया गया है, आगे क्या प्लान है इनका, कुछ भी अभी तक बताया गया है, कन्फर्मेशन कुछ भी? जी सर, हमें सिर्फ एडवाइजरी और आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जमीन पर कुछ काम चल रहा हो। जैसे अगर इवैक्यूएशन भी करना है तो इतना इजीली नहीं है कि तुम 18,000 या 15,000 बच्चों को इवैक्यूएट कर पाओगे एक साथ। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया गया है सेफ्टी इंश्योर करने? नहीं, अभी तो एज सच कोई न्यूज नहीं आई है कि क्या करना है या क्या होने वाला है हमारे साथ। सिर्फ हमें एडवाइजरी दी जाती है कि अभी आप बाहर मत निकलिए, जहाँ पर हैं वहीं रह लीजिए, या फिर कोई शेल्टर हाउस है तो वहाँ चले जाइए। सिर्फ यही एडवाइजरी मिली है। क्योंकि ऐसा है सर कि जब हम लोग पत्रकारिता में करते हैं तो हमको बताया जाता है कि हाईएस्ट रिस्क समझकर चलिए आप, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ठीक है अभी सिचुएशन कंट्रोल में है तो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है के सहारे नहीं बैठा जा सकता। आपको बहुत पहले ही इवैक्यूएट कराना गवर्नमेंट को चाहिए था, तो उस वक्त पहले अब जब कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, रशिया हमला कर सकता है, रूस हमला कर सकता है, तब एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ मैसेज आया, कुछ क्या कहा गया था आपसे? जी सर, एम्बेसी ने हमें पहले बोल दिया था कि अगर किसी को ज्यादा ही जरूरी काम है तो वो यहाँ रुके, वरना तो चले जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी जो क्लासेस थी, यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि ऑफलाइन चलेंगी। अगर हम एक दिन एबसेंट रहते हैं तो उसके हमें 800 रुपए देने पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं गए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि मान लो अभी अगर हम चले जाते हैं, 60,000 का टिकट था, 80,000 का टिकट था, फिर एक महीने बाद सिचुएशन ठीक हो जाती है, फिर हम वापस 30,000 रुपए लगाते हैं, फिर वापस से आते हैं। और सर जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से आपको किसी तरीके का सपोर्ट है वहां पर? जी कुछ नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं उनकी तरफ से। अब कोई सपोर्ट नहीं है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से? जी नहीं। ठीक है सर, और अभी घर वालों से आप बातचीत कर रहे होंगे, तो घर वालों को कैसे उनको आश्वस्त, उनको आप कैसे आश्वस्त कर रहे हैं? घर वाले ज्यादा डरे हुए हैं, हमसे भी ज्यादा डरे हुए हैं वो तो। नहीं, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और हम भी कहीं से आए हुए हैं, हमारा भी घर है। जी जी। तो वहां से हमको जब दिल्ली में कोई भी घटना होती है, छोटी से छोटी घटना भी होती है, तो घर से 1,000 फोन आ जाते हैं। तो आप तो बाहर है मुल्क से भी,
तो क्या आप पर बीत रही होगी उसको हम समझते हैं। बाकी अभी इस वक्त तक अभी आप बता रहे हैं कि मैं गया था जो सेफ्टी बंकर्स वगैरह आप जो कह रहे हैं उनको देखने गए थे, किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरीके से हैं वो? जैसे बिल्डिंग होती है अपने यहाँ, तो जो अंडरग्राउंड बनाया जाता है बिल्डिंग के नीचे उसी तरीके से होते हैं, बस वो थोड़े मजबूत बनाए जाते हैं ताकि अगर बिल्डिंग का वजन भी उनके ऊपर गिर जाए तो वो नीचे से ना टूटे और जो उनके अंदर लोग हैं सेफ रहे। तो अभी आपको मतलब क्या बताया गया है कि इन बंकर्स में कब जाना है या फिर जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी तब आपको जाना पड़ेगा, क्या बताया गया? जी हाँ, तभी बताया गया, जैसे ही आप आवाज सुने मिसाइल्स की, बॉम्ब की, तो आपको रूम छोड़ना है, अपना फ्लैट छोड़ना है और आपको उस बंकर में जाना पड़ेगा। अभी मैं देख के आया यहाँ के लोग तो ऑलरेडी उस बंकर में बैठे हुए हैं काफी लोग। अच्छा, जो लोग ज्यादा डरे सहमे होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके बैठे हुए हैं। तो अब बाकी और जो भारतीय हैं हमारे वहाँ पर आपके भी संपर्क में होंगे, काफी आपके साथी भी होंगे वहाँ पर, आप सब लोग क्या संयुक्त रूप से क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या है आप सबकी बातचीत, क्या हो रही है बीच में? ज्यादातर तो सभी लोग पछता भी रहे हैं कि हम लोगों को चले जाना चाहिए था, क्लास छूट जाती कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लग जाते कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो हमारे कंट्रोल में रहा ही नहीं कुछ भी। चलिए जावेद साहब हमारे साथ हैं, जावेद साहब हमारे साथ हैं जी, असाइनमेंट जी, जावेद साहब हमारे साथ हैं, ठीक है जावेद सर, जावेद सर का ऑडियो आ रहा है, जावेद सर ठीक है, जावेद सर अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा। जावेद सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, जावेद साहब का शायद ऑडियो नहीं आ रहा है। ये जावेद साहब है हमारे साथ, एक और आपके साथी हैं, ये खारकिव यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे पहले जुड़े हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे कि क्या वहाँ पर माहौल है, किस तरीके से चल रहा है। और चूंकि हम भारतीय हैं और हम लोगों को हर तरीके से लड़ना आता है, और आप भी, मैं पूरी कामना करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, कि आप लोग स्वस्थ रहें और जल्द ही ये चीज़ें, ये संकट का जो समय है ख़त्म हो और सब ठीक हो और आप भी घर वापस आएँ, अपने परिवारजनों से मिले, अपने परिजनों से मिले और ये समय भी बीत जाएगा। तो आज जब हर मीडिया चैनल, ऑल द मीडिया, बीट लुटियन मीडिया, बीट रीजनल मीडिया, चाहे वो लुटियन मीडिया हो, दिल्ली का मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, किसी भी प्रदेश का मीडिया हो, सब आपको ये दरअसल बता रहे हैं कि रशिया ने कब हमला किया, कैसे हमला किया, रूस ने किस प्रकार हमला किया, इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन जो चीज मेन है, मैं हमेशा अलग थलग हो जाता हूं, अलग थलग हो जाता हूं, इसी वजह से हो जाता हूं, इस चीज को कोई गौर नहीं करता कि हमारे जो साथी वहां पर फंस गए उनको वापस लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी, हमारी ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वापस, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग देम बैक। भारत को, भारतीय सरकार को, अथॉरिटीज को अब सोचना होगा कि ये वक्त कि हम सब मिलकर अपने लोगों को वापस लाएं, सुरक्षित लाएं। और आज मैंने जब जोड़ा है, दोनों ही हमारे जो भाई थे, खार्किव से थे, कीव से थे, दोनों ही जो कहना चाह रहे थे, जो भाव भंगिमा थी, जो उदासीनता थी, क्या वो साफ बता रहे हैं, घरवाले जब फोन करते हो, घरवाले जब कॉल पर होते हो, घरवाले जब आवाज पर होते हो, तो कितना मुश्किल होता होगा उनको समझाना, जब उनका बेटा, उनका भाई, किसी की मांग का सिंदूर, किसी का पिता, किसी का साया, जब इस तरीके से संकट में हो, युद्ध के बीच हो, तो मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है कि इनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और इनके बीच एक पुल बनने का काम। भारत एट 9 के आज ग्लोबल ट्रांसमिशन शो में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।